हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यालय में भीमताल के ओखलकांडा से आए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पूर्ण राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बन रही सड़कों में भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्यों को पुनः कराए जाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना भी दिया। इसके अलावा सड़क निर्माण का काम करने वाले स्थानीय लोगों को भी कार्यदायी संस्था ने एक साल से पैसा नहीं दिया है, लिहाजा सभी मांगों को लेकर पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने आंदोलन किया। सड़कों की हालत सुधारने और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित दीवार बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शासन में सारा मामला भेजा गया है, जैसे ही निर्माण की स्वीकृति आएगी काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाते हुए उनका आंदोलन खत्म करा दिया है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई साहब, मैं सुरेश चंद्र, पूर्व मेंबर पटरानी। ये शिवड़ा से पटरानी तक जो रोड बनी है इसमें काफ़ी अनियमितता है साहब। जगह जगह कलमट जो बने वो टूट गए, दीवारें टूट गई हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो सोलिंग हुआ है सर, सोलिंग में कोट कितने होते, पहला कोट इन्होंने कच्चा पत्थर डाल दिया है। अब उसके ऊपर पत्थर डालने पक्का तो बैठते जा रहा है, और कलमटों के ऊपर मिट्टी भर के उसके ऊपर सोलिंग करके डामे कर कार्य चलाया जा रहा है। आबादी क्षेत्र में कोई भी जमीन के एक भी सुरक्षा दीवार नहीं बनाई है, और क्या नाम तो उसके बावजूद, बार बार कहने के बावजूद भी इन लोगों के काम में बहुत अनियमितता की जा रही है सर। और नंबर एक, जो हमारे भूमिदाता है, सबसे अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र म्यूनी में है, सारे ऐसी की जमीन है, एक भी दीवार वहाँ पर नहीं बनी है। एक वहाँ पर जगतराम काश्तकार यहाँ पर आए हैं, उनकी मात्र चार भाई हैं, आठ नाली जमीन है, आठ नाली जमान रोड में समा गई है। हम शुरू से बार बार करेंगे साहब, इसकी सुरक्षा दीवार बना दीजिए, जमीन में रुके नहीं, इसमें रोड बहेगी फिर आगे काट दे रहे हैं वो। आपका नाम है सर? आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद्र है, मैं पूर्व मेंबर पटरानी। देखिए, हरीशताल कोंता पटरानी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रही है, उसमें लगातार एक साल से क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार उस सड़क की अनियमितता को लेकर मांग उठा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें ऊंची होने के कारण, ऊंची पहुंच होने के कारण उसको अनदेखा किया जा रहा है। जो कलमट बनाए गए हैं उनमें गड्ढे पड़ गए हैं, सड़क पर डामर उनके ऊपर मिट्टी बिछा के किया जा रहा है, जो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मैंने स्वयं उसके वीडियो कल शायद आपको प्रेस के लोगों को दिखाए थे, आज पुनः मैं दिखा दूंगा। इस तरह से भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा अति हो गई है उसके खिलाफ। और जो हमारे अनुसूचित भाई हैं उनके मकान जो है गिरने के कागार पे हैं, वहाँ काट दी गई है रोड और दीवार नहीं दी गई, वहाँ दीवार दी गई है, जहाँ पत्थर है, जहाँ पत्थर नहीं है वहाँ दीवार नहीं दी जा रही। तो इस तरह की तमाम लोगों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, इसको लेकर हम संघर्षरत हैं और आज तालाबंदी करेंगे। अगर यहाँ से निर्णय नहीं होता है तो हम सब ने संकल्प लिया राज्यपाल हाउस और मुख्यमंत्री हाउस पर, यहीं से जाके कल सुबह हम कब गए इनको पता नहीं लगेगा, वहीं धरने में प्रकट होंगे। देखिए, तीन समस्याएं थी, जिसमें एक था कुछ क्षतिग्रस्त हुए थे हमारे कलवर्ट उसके संबंध में था, कुछ दीवारें हैं उनके संबंध में था, और एक था कि मजदूरों का ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। तो उसी विषय में ये लोग यहाँ आए हुए थे, जिसके लिए हमने जो पहला पॉइंट है इनका कलवर्ट के लिए, उसमें कलवर्ट हम दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए हमने इन्हें आश्वासन दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त दीवारों का निर्माण है, इसके लिए हमारा विचलन गया हुआ है, और उसके जब तक उसकी स्वीकृति आएगी शासन से उसके बाद हम इसका कार्य करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी मार्ग थी ठेकेदार द्वारा मजदूरों का भुगतान ना किए जाने के संबंध में, उसमें मेरी ठेकेदार से अभी वार्ता हुई है और जो मजदूर यहाँ पे आए हुए थे उनसे भी वार्ता हुई है। अब उसी वार्ता के क्रम में जो भी यथोचित होगा वो कार्य किया जाएगा। फिलहाल तो अभी बात हो गई है सबसे, और ठेकेदार से भी इनके भुगतान के बारे में बात की गई है मेरे द्वारा।